नमस्कार, आज की खास खबरों में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 5 साल बाद आयोजित हुई ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में सॉल्वर गैंग की सेंधमारी उजागर हुई है। एसटीएफ ने लखनऊ, बरेली, कानपुर और गोरखपुर से कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ से पकड़े गए गैंग का सरगना जौनपुर में तैनात एक लेखपाल था, जिसे एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बरेली से पकड़े गए दूसरे गैंग का सरगना बिहार से सॉल्वर को परीक्षा में बैठा कर गड़बड़ी कर रहा था। साल 2018 में गलत पेपर बांटने और सॉल्वर गैंग की सेंधमारी के चलते निरस्त हुई ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा 5 साल बाद उत्तर प्रदेश के 20 जिलों के 737 सेंटर पर आयोजित की गई। सोमवार को ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और समाज कल्याण पर्यवेक्षक के लिए हो रही इस लिखित परीक्षा में भी सोमवार को गैंग पकड़ी गई। मैं आपको बता दें, यूपी एसटीएफ ने लखनऊ और बरेली से 2 अलग अलग गैंग को दबोचा है।